अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईमेल मार्केटिंग का ये टूल है सेंडर टूल। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ये देखें, बिल्ड द ब्रिज बिटवीन योर ईमेल लिस्ट एंड रेवेन्यू। तो इसे आप जो है वो बाय प्लान्स वगैरह भी जो है बाय वगैरह कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये देखें, फ्री फॉर एवर जो है वो जीरो है, $0 का, और अप टू 2500 सब्सक्राइबर्स हैं, और इतनी ईमेल जो है वो पर मंथ सेंड कर सकते हैं। ईमेल ऑटोमेशन फीचर्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप स्टैंडर्ड वगैरह बाय करेंगे तो देखें जितना बजट इंक्रीज करते जाएंगे वो जो है वो आपको फीचर्स वगैरह जो है वो अनलॉक होते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ये देखें जरा, हम यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह ऐड कर लेते हैं, जिस ब्रांड्स कोई कंपनी का ब्रांड लिख लिया। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस ईमेल आपने ऐड करनी है, पासवर्ड आपने ऐड करना है, यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है यहाँ पर। ये देखें जरा, मैं ऐड करता हूँ, और पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने सिंपल इसको रजिस्टर करना है अकाउंट को। ये देखें, कंपनी विद द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा क्या, एक टॉप हम रख लेते हैं कोई कंपनी का, पासवर्ड फिर जो है हमें लगाना पड़ेगा। पासवर्ड आपने लगा लिया, देन आपने रजिस्टर करना है सिंपल। तो यहाँ से जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी इस वेबसाइट की, और यहाँ पे आपने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है इस वेबसाइट पे। ये देखें, यहाँ पे जो है वो नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ये देखें, पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल करना चाहते हो भी कर लें, करना ही पड़ेगा आई थिंक ये भी हमें। आपने जो है वो अपने बिजनेस की यहाँ पे जो वेबसाइट URL लिंक है वो लगाना है। वो लगाने के बाद इसके बाद जो है वो ये आपने वेबसाइट का URL लिंक मैंने यहाँ पेस्ट किया, और सिंपल जो है वो सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप जो है वो ऐड कर दें, कंट्री वगैरह जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया था। उसके बाद टाइम जो है ना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करनी है आपने। ये देखिए, इसके बाद जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं ईमेल एड्रेस को, ऑथोराइज कर सकते हैं सेंडिंग डोमेन वगैरह, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट एंड सर्व सेंड कर सकते हैं फर्स्ट कैंपेन वगैरह, रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं इस वेबसाइट पे। डैशबोर्ड के बाद जो है वो हम ऐड क्रिएट कैंपेन वगैरह करना सीखेंगे, ये सारी चीजें प्रोसेस करनी है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल कैंपेन पे आपने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है, देखें, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, आपने जो है वो क्रिएट करनी है यहाँ पे कैंपेन वगैरह, और इसमें जो डिटेल वगैरह आपने ऐड करनी होती है, सब्जेक्ट ऐड वगैरह, ये देखें ईमेल सब्जेक्ट वगैरह, कस्टम फील्ड्स है, ईमेल लगा सकते हैं, फर्स्ट नेम ऐड कर सकते हैं अपना, लास्ट नेम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, और देन जो है वो ईमेल प्रीव्यू टेक्स्ट है, आप जो है वो फील्ड वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, कोई चीज़ आप ऐड वगैरह करना चाहते हैं, कोई इमोजी वगैरह साथ एंटर करना चाहते हैं वो भी आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, जिस तरह मैं इमोजी लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखें जरा यहाँ पे जो है वो देखें इनबॉक्स प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया, जिस तरह का हमने जो है वो ईमेल मार्केटिंग यहाँ पे पेज को क्रिएट करना है कंपेन को। ये हमारी कंपेन का नेम हो गया, नेम का, और सेंडर ईमेल एड्रेस वो भी आप जो है वो लगा सकते हैं, जिस तरह मैं ये लगा लेता हूँ, अगर आप जिसको सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस, और ये देखें जरा ये लगा लिया। ये लगाने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि ऑटो रीसेंड करना है, वो भी आप लगा सकते हैं अगर नहीं तो। ये देखें, यहाँ से आपने डेट टाइम वगैरह सेलेक्ट करना है,
इसके बाद क्या है, ये क्रॉस कर सिंपल। इसके बाद क्या है कि आप जो है वो क्रिएट कंपेन वगैरह कर सकते हैं, देखें ड्रैग कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं बिल्डर वगैरह को। इसके बाद जो है वो प्लेन टेक्स्ट वगैरह लगा सकते हैं, HTML वगैरह को ऐड करना चाहते हैं जिस तरह वेबसाइट्स के ऊपर होता है। इसके बाद आपने जो है बस सेंडर इमेज भी ले ली, जो है यहाँ पे लगा लेते हैं ये। तो ये मैंने लगाया, इसके बाद जो है वो वेरीफाई आप कर सकते हैं डोमेन वगैरह को। तो सेव एंड कंटिन्यू पे आपने सिंपली क्लिक करना है यहाँ से। तो इसके लिए जो है वो आपको वेरीफाई करना होता है, ये देखें ईमेल लगानी होती है और वेरीफाई करनी होती है अपनी डोमेन को, डोमेन वगैरह को। तो इसके बाद जो है वो आपने कंटिन्यू करना है सेव एंड। इसके बाद जो है मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि आपने इसके बाद डिज़ाइन वगैरह करना होता है, टेम्पलेट्स वगैरह या फॉर्म्स वगैरह किसी भी तरीके का, आप जो है वो इस तरह का इनबॉक्स वगैरह कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सब्सक्राइबर का ऑप्शन जो है वो नीचे ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह हम जो है वो लैंडिंग पेज पे साइन अप नो पे क्लिक करते हैं या साइन इन लिखा होता है उसकी जगह जो है वो कोई भी आप जो है वो टैब वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म एंड असेंड वगैरह कर देता हूँ, ये जो है सिंपल काम होता है इसमें। इसके बाद जो है वो SMS कंपेन वगैरह भी आप इसमें सेंड कर सकते हैं, काफ़ी फीचर्स हैं इसमें। ये देखें अपग्रेड नो हो रहा है, यहाँ पे अपग्रेड नो वगैरह कर सकते हैं, ये देखें ज़रा अपग्रेड प्लान क्या है, फ्री है और इतने जो है वो ईमेल एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेड। इसके बाद क्या है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। यूजर्स वगैरह हैं, ये देखें ज़रा एडमिन हूँ मैं, ये देखें यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे, डोमेन्स वगैरह, बिलिंग है, क्रिएट अकाउंट है। तो ये देखें SMS कंपेन है, अभी जो है वो यहाँ पे वर्क हो रहा है, अपग्रेड होने वाली है ये। तो यहाँ से हम अपग्रेड प्लान पे सेंड करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से चूज वगैरह कर सकते हैं अपने प्लान वगैरह को। स्टैंडर्ड प्लान है, प्रोफेशनल प्लान है बेस्ट वैल्यू के साथ, मंथली बिलिंग है, ईयरली बिलिंग है, ये आप पे डिपेंड करता है। और बाय ईमेल क्रेडिट कार्ड से आप जो है वो ले सकते हैं, यहाँ से पे आउट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन है, ये देखें आप जो है वो ऐड सब्सक्राइबर भी खुद बिजी है वो सेंड वगैरह कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है वो नीचे स्टेटस आप देख सकते हैं, ये चैट वगैरह का इस सब्सक्राइबर जिस तरह मैंने इस पेज पे लैंड किया ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड सब्सक्राइबर जो है वो भी आप कर सकते हैं, देखें इम्पोर्ट फाइल आपने करनी होती है कॉपी पेस्ट, और इम्पोर्ट मेलशिम के साथ आप कर सकते हैं सब्सक्राइबर। ये देखें जिस तरह ये है, ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम वगैरह। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट उन्होंने जिस तरह जो है तैयार की है, डाउनलोड कर सकते हैं CSV टेम्पलेट्स वगैरह को। इसके बाद जो है वो ग्रुप्स वगैरह आप जो है वो क्रिएट वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें क्रिएट न्यू ग्रुप वगैरह, सेव सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स वगैरह, ये देखें क्रिएट फर्स्ट सेगमेंट है, सेगमेंट का नेम लिखना और सेव कर देना आपने। डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स हैं यहाँ पे, कैटेगरीज वगैरह होती हैं यहाँ पे, ये देखें फील्ड नेम है और फोन नंबर है। अगर आप जो है वो फील्ड वगैरह को क्रिएट करना चाहते हैं, देखें जरा जिस तरह ये है, फील्ड में क्या कोई डाटा या नंबर वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी आप टाइप कर सकते हैं। माई फील्ड नेम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं नेम लिख लेता हूँ अपना, क्रिएट कर दें। तो ये देखें इस तरीके से हमारी जो है वो फील्ड रेडी हो गई है, ये देखें नीचे। अगर आप जो है वो इसे एडिट करना चाहते हैं, ये रीनेम करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो फील्ड्स वगैरह कर सकते हैं आप, फील्ड वगैरह। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेशन है, आपने वर्क फ्लो का नेम लिखना होता है यहाँ पे, क्रिएट करना होता है, और यहाँ पे जो है वो ऑटोमेशन का प्रोसेस होगा वगैरह। ये देखें आ डेट है, ट्रिगर होता है यहाँ पे, और एनिवर्सरी डेट है, जिस तरीके का आप जो है वो करना चाहते हैं ऑटोमेटेड, ये देखें आ डेट का हम कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिगर। तो ट्रिगर सेटअप है, आप डेट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, एनिवर्सरी ऑफ द डेट कर लें, कस्टम फील्ड अनुमान कर लें, कंपेन है और स्पेसिफिक डेट कर लें, तो यहाँ से आप सेव कर लें। ये देखें सेव हो गई हमारी कंपेन। इस तरीके से जो है वो अपनी ऑटोमेशन वगैरह सेव कर सकते हैं, ये देखें नुमान है, ड्राफ्ट है और एडिट वगैरह, सेंड ईमेल्स वगैरह, ओपन वगैरह, क्लिक्स वगैरह। तो इस तरीके से जो है वो ऑटोमेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, और
कोई भी आप जो है वो फॉर्म वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, डिजाइन वगैरह करना चाहते हैं, देखिए क्रिएट माई एम्बेडेड फॉर्म है और पॉपअप है। पॉपअप में ये है कि जिस तरह हम पेज पे लैंड करते हैं तो इस तरह का एक पेज ओपन होता है साथ, जिसपे क्रॉस बना होता है, आप क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ईमेल वगैरह लगा सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म जो है वो तो डिफॉल्ट बेसिक पे आप क्लिक कर दें सिंपल, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से देखना जरा ये है। इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं डिस्प्ले टाइटल, अगर रीडायरेक्ट करते हैं ये देखें जरा इस तरीके का, अगर आप यूजर भी कैप्चर वगैरह साथ एंटर करना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, अगर कंफर्मेशन जो है वो चेकबॉक्स आप साथ लगा देते हैं ये देखें इस तरह का, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हर तरह की चीजें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये देखें सेलेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के फील्ड है यहाँ पे, काफी सारी फील्ड है। ई मेल नेम वगैरह लेबल करना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, अगर आप क्रॉस करते हैं सिर्फ ईमेल आप रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऐड फील्ड्स हैं, अगर आप फोन नंबर के साथ जो है एंटर करना चाहते हैं, ईमेल के साथ फोन नंबर ऐड करना है वो लगा सकते हैं, कंट्री वगैरह आपने सेलेक्ट करनी होती है। इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन टेक्स्ट कर सकते हैं सेटिंग वगैरह को, इनपुट लेबल्स है और इनपुट्स है, चेकबॉक्स है, सबमिट बटन वगैरह, ये सारे जो है वो डिजाइन है। और इसके बाद जो है वो सक्सेस रिव्यू वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे आपने सिंपल क्लिक कर देना, तो इस तरह का जो है वो आपके पास फॉर्म जो है वो स्टार्ट होना। ये देखें पब्लिश्ड हो गया हमारा फॉर्म, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, ये देखना जरा, ये देखें एम्बेडेड फॉर्म है, पब्लिश्ड है, इतने 0 सब्सक्राइबर है, विजिटर है, कन्वर्सेशन है, ओवरव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इससे आप जो है वो काफी कुछ सीखा होगा। ईमेल कंपेन्स है इसमें, SMS कंपेन्स हैं, सब्सक्राइबर्स वगैरह, ऑटोमेशन है, फॉर्म्स हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।